मैं मेरा प्रश्न आपके माध्यम से दो टेक्सटाइल और डायमंड दोनों इंडस्ट्री मेरे एरिया में है। जो टेक्सटाइल की पूरी मिल होती थी उसमें जो पर्यावरण के लिए नुकसानकारक जो निकलता था अंदर से धुआं उसके लिए एक नई मशीनरी नई टेक्नोलॉजी आई है, उसके लिए नया अपग्रेडेशन फंड भी हुआ है और टेक्सटाइल पार्क भी बने हैं। उसके लिए जो एरिया में लोग रहते हैं वहां जो पुरानी मिल है उसके लिए कुछ मापदंड बनाया है। और दूसरा जो डायमंड इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, जो डायमंड को धोते हैं तो एसिड से धोते हैं और वो भी जो छोटे छोटे घरों में होता है तो उसमें से भी धुआं निकलता है, उनको भी ये पर्यावरण के हिसाब से जो आसपास के रहने वाले लोग उनके लिए भी कुछ मापदंड होना चाहिए। तो नई लिस्ट के अंदर ये दोनों टेक्सटाइल और डायमंड दोनों इंडस्ट्री के लिए कुछ मापदंड बनाए हैं या और कुछ करना चाहते हैं? वही पूछता हूं। बहुत अच्छा सवाल है। टेक्सटाइल के लिए हमने मानक बनाए हैं और मैं कहना चाहूंगा कि सभी उद्योगों में जैसे जैसे तकनीक की प्रगति होती है हम हर 6 महीने में रिव्यू करते हैं कि उस मानकों को थोड़ा और कड़ा कर सकते हैं क्या, कि जिससे लोगों को नुकसान नहीं होगा। और इसलिए टेक्सटाइल के लिए और डायमंड के लिए लोगों को तकलीफ न हो इसके लिए हमने एक काम शुरू किया है कि 24/7 मॉनिटरिंग डिवाइसेस बिठाने के लिए सभी टेक्सटाइल यूनिट को कहा है और मुझे खुशी है कि 80% उद्योगों ने 24 घंटे निगरानी के संयंत्र लगे हैं और हर 15 मिनट अगर कोई एक्सीड करता है पोल्यूशन तो तुरंत एसएमएस मुझे भी आता है, उद्योग को भी जाता है और स्क्रीन पर भी दिखता है और तुरंत कार्रवाई शुरू होती है। वेरी गुड सर। टुडे इंडिया इफ यू रीड एनी न्यूज़पेपर और मैगजीन वो नेशनली और इंटरनेशनली इज गोइंग थ्रू अ वेरी मिक्स्ड बैक टाइम्स, कभी खुशी कभी गम, दैट्स व्हाट आई वुड रियली लाइक टू कॉल इट। आई एम ग्लैड द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर द एमओएस इज हियर, but I feel they all talk about wonderful growth of 7.4, 7.6.